गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा, साइंस स्टडी सेंटर व यंग्स माइंड एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था मॉर्फोलॉजी में अबाउट द स्टेम, और स्टेम मॉडिफिकेशंस के बारे में। तीन तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, देर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस। हाइपोटेरेनियन, सबटेरेनियन एंड एपिटेरेनियन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने इसमें? राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। नाउ लेट मी स्टार्ट विद दी सबटेरेनियन स्टेम मॉडिफिकेशन। और इसमें पढ़ेंगे जैसे हम लोग रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट। ठीक है बच्चों, ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद दी सबटेरेनियन स्टेम मॉडिफिकेशन। और इसमें पहला लेंगे हम लोग रनर। So this is the runner. Develops from axillary bud. Grows horizontally above soil at nodes, it forms adventitious root and shoot. After detachment, it forms new plant. Hence also called as organ of pollination. Okay बेटा, तो रनर क्या होता है? रनर सबटेरेनियन स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। और रनर में क्या होता है? एक्सिलरी बड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सिलरी बड ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली अबव द सॉइल। सॉइल पे हॉरिजॉन्टल ग्रो करेंगे, और बेटा जहां जहां नोड आएगा, नोड्स पे दे विल फॉर्म एडवेंटिशियस रूट एंड शूट, और जब यहां से ब्रेक कर जाएगा सो इट विल फॉर्म्स न्यू प्लांट, इट फॉर्म्स न्यू प्लांट। सो रनर इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। सी, नॉट ओनली रनर, रनर स्टोलन सकर्स ऑफसेट, दे ऑल हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। As we have studied that underground stem modification
से राइजोम, अदरक वगैरह, आपने आलू को देखा, इन सबको काट काट के ही लगाया जाता है। तो आलू में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है ट्यूबर्स के द्वारा, सेम चीज यहां पे है। और एग्जाम्पल बताएंगे आप, तो एग्जाम्पल बेटा यहां पे देखो, जैसे साइनोडॉन डैक्टाइलॉन ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस इज कॉल्ड एज खट्टी बूटी एंड दिस इज कॉल्ड एज दूब, ठीक है, साइनोडॉन डैक्टाइलॉन। बेटा यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, ऑल्दो द क्वेश्चन बिलोंग्स टू इकोलॉजी, क्वेश्चन ये है, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन बर्नड सोयल आर कॉल्ड एज, बच्चों ऐसे पौधे जो जली हुई मिट्टी पे ग्रो करते, जहां पहले कभी आग लगी हुई रही हो, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज पाइरोफाइट्स। क्या बोला जाता है बेटा? पाइरोफाइट्स। सो ऑल दोज प्लांट विच ग्रोज ऑन बर्न सोयल आर कॉल्ड एज पाइरोफाइट्स। लेट अस हैव एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में साइनोडॉन आएगा, साइनोडॉन डक्टाइलॉन कॉमनली कॉल्ड एज दूब ग्रास, इसको दूब ग्रास कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल पाइरोनिमा, और ये बेटा एक फंगस होता है, और इसके अलावा मॉर्केंसिया, ये ब्रायोफाइट होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे याद रखेंगे, ऑल दोज प्लांट्स विच ग्रोज ऑन बर्न सॉयल आर कॉल्ड एज पाइरोफाइट्स, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, तो हम लोगों ने रनर के बारे में पढ़ लिया कि रनर क्या होते हैं, एक्सिलरी बड से ग्रो, एक्सिलरी बड से डेवलप करते हैं, मिट्टी पे हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, और नोड्स पे एडवेंटिशियस रूट और शूट बनाएंगे, और जब ये रनर टूट जाएंगे सो दे गिव राइज टू न्यू प्लांट, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करते हैं। दूसरा, शॉर्ट थिक रनर ग्रोइंग जस्ट बिलो सॉइल इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? सो बोल, जैसे एग्जाम्पल एग्रो पायरन, ठीक है। तो बेटा जब रनर ही, जैसे अगर मिट्टी के जस्ट ऊपर है रनर बोलेंगे, मिट्टी के जस्ट नीचे है तो उसको सोबोल बोलेंगे, और सोबोल की खासियत होती है यह थिक होता है और शॉर्ट होता है, ओके। स्टोलन, और अगर स्टोलन को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं एरियल रनर, क्या बोल सकते हैं इसको? एरियल रनर। अब इसमें क्या होता है जरा ध्यान से देखा जाए, तो ये देखिए, ये कोई प्लांट है और ये सॉइल सरफेस पे है, अच्छा अब ये देखिए, दिस इज, ये है स्टोलन,
तो स्टोलन क्या होता है? स्टोलन एरियल रनर होता है, यह भी रनर ही है बेटा, लेकिन अंतर क्या होता है? डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, ग्रोज इन टू एयर फॉर अ वाइल एंड वेयर इट टचेज द ग्राउंड, जहां पे ये ग्राउंड को टच करेगा वहां पे इट मेक्स एडवेंटिशियस रूट एंड शूट, और आफ्टर डिटैचमेंट इट फॉर्म्स न्यू प्लांट बॉडी, जब टूट के अलग हो जाएगा तो नया पौधा तैयार होगा, इसको हम स्टोलन कहते हैं। अब स्टोलन पाया कहां जाता है? एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, मिंथा पाइपराइटा, यह बेटा कौन सा मिंट है? यह है पेपर मिंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मिंट होता है ठीक, मिंथा आर्बेंसिस, उसमें शकर पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पुदीना बेटा दो तरह का होता है, एक चटनी वाला पुदीना होता है जिसको मिंथा आर्बेंसिस कहते हैं, उसमें शकर पाया जाता है, दूसरा है मिंथा पाइपरेटा जिससे पेपरमिंट बनता, ब्रास बनता, पान खाने वाले जानते हैं। या इससे एक चीज और मिलता है, क्या मिलता है? ऑयल मिलता है मेंथॉल, और मेंथॉल का यूज कहां करते हैं बच्चों? पेन बाम में करते हैं, और कहां यूज करते हैं? माउथ फ्रेशनर। तो जितने भी माउथ फ्रेशनर होते हैं, पेन बाम है, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट, वहां पे मेंथा का ऑयल ऐड किया जाता है और मेंथा के लीव से ऑयल मिलता है, ठीक है बेटा? ओके, दूसरा और कहां मिलेगा? फ्रगरेरिया वेसिका, फ्रगरेरिया वेसिका, और फ्रगरेरिया वेसिका किसको बोलते हैं बच्चों? ये क्या है? एड्स स्ट्रॉबेरी, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉबेरी रसभरी। रेसबेरी। नाउ अब यही स्टोलन एक फंगस में भी पाया जाता है जिसका नाम है राइजोपस स्टोलनी फर। क्या नाम है बेटा? राइजोपस स्टोलनी फर। अब एक सवाल नीट में पूछा गया, बहुत पहले पूछा गया कि राइजोपस और म्यूकर में अंतर क्या होता था, एक अंतर यही है, राइजोपस में स्टोलन पाया जाता जबकि म्यूकर में नहीं पाया जाता, और इट इज द ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन, ठीक। नेक्स्ट, सकर, अब अगर आप ये देखिए तो ये सकर्स है, डेवलप्स फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, ग्रोज एट एन एक्यूट एंगल, तिरछा ग्रो करता बेटा, मतलब ऑब्लिकली, ग्रोज ऑब्लिकली एट सॉयल सरफेस इट फॉर्म्स न्यू प्लांट बॉडी। सॉयल सरफेस पे आने पे ये नया प्लांट बना देगा। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए बच्चों, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल याद कर लिया जाए सकर का,
जैसे केला मुजो पैराडिसिए का, दूसरा मेंथा आर्वेंसिस, दैट इज वो चटनी वाला पुदीना जिसको बोलते हैं, पुदीना ठीक। और ढेर सारे एग्जाम्पल है, ग्लैडियोलस, ठीक है। बैम्बूसा, तो केले में पाया जाता, पुदीने में पाया जाता, ग्लैडियोलस में पाया जाता, क्राइसेंथेमम में पाया जाता है और बैम्बूसा में पाया जाता है। अब सकर सोते क्या, ध्यान से समझिए, ये अगर स्टेम है अंडरग्राउंड, ये सोयल सरफेस है बेटा, तो ये देखिए लोअर नोड से, मतलब जो अंडरग्राउंड नोड से वहां से डेवलप करेगा, हमेशा तिरछा ग्रो करेगा और सोयल सरफेस पे आने के बाद इट मेक्स एडवेंटिशियस रूट एंड शूट। अब यहां से डिटैच होने के बाद ये नया प्लांट बना देगा, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेना पेरेनेशन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कहीं हैंडपंप के आसपास अगर आप पुदीने का एक पौधा लगा दीजिए तो धीरे 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 फैलते फैलते चारों तरफ पुदीना ही पुदीना हो जाता, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब केले पे आ जाइए, मूसा पैराडिसिए का, दैट इज बनाना, अब इसमें तीन तरह के स्टेम पाए जाते हैं बेटा। पहला है स्यूडो स्टेम, दूसरा है रूट स्टॉक और तीसरा है सकर, ठीक है। तो बेटा केले में जो बाहर तना हमको दिखाई देता है ये, दिस इज कॉल्ड एज स्यूडो स्टेम, और जो नीचे छोटे छोटे केले के बच्चे पैदा होते हैं उसको हम सकर बोलते हैं, और मिट्टी के अंदर जो वर्टिकल राइजोम जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम रूट स्टॉक कहते हैं, ठीक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्यूडो स्टेम मतलब जो बाहर हमें केले का तना दिखाई देता है वो एक्चुअली क्या होता है, फॉर्म्ड बाई सीडिंग लीफ बेसिस कॉन्सेंट्रिकली, और सकर हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड व्हाट इज रूट स्टॉक, रूट स्टॉक इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड वर्टिकल राइजोम, वर्टिकल राइजोम को कहते हैं, ठीक है बच्चों। और मूसा कैसा पौधा होता है, मोनोकार्पिक होता है, एक बार केला लग जाए उस पौधे पे दोबारा केला नहीं लगता। और एक सवाल बनेगा, एक सवाल ये दूसरा, रा बनाना मतलब अनराइप, अनराइप बनाना को क्या बोलते हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनराइप बनाना इज कॉल्ड एज, अनराइप बनाना को कहा जाता है प्लांटेन। क्या कहा जाता है बेटा, प्लांटेन, एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग चिप्स, कच्चे केले का चिप्स आपने जरूर खाया होगा, ठीक। तो बेटा याद रखिएगा, केले में कुल तीन तरह के स्टेम होते हैं, ठीक। जो बाहर हमको स्टेम दिखता है वो झूठ मूठ का है, स्यूडो स्टेम,
वो बनता है सीडिंग लीव बेसिस कॉन्सेंट्रिकली जब अरेंज हो जाते हैं। दूसरा है रूट स्टॉक जिसको हम लोग वर्टिकल राइजोम भी कहते हैं, और तीसरा सकर जो ऑब्लिकली ग्रो करता है अंडरग्राउंड पोर्शन से, और यही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करेगा। तो अगर सवाल पूछा जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन बनाना इज डन बाई, तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा सकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और कच्चे केले को हम प्लांटेन कहते हैं जिसका यूज हम करते हैं चिप्स वगैरह बनाने में। ओके, नेक्स्ट ऑफसेट। बल्बस स्पॉन्जी एंड एक्वाटिक रनर, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा छोटा होता और बल्बस होता, इसमें स्पॉन्जी पेरेन्काइमा पाया जाता, और ये देखिए पत्तियां, और डिटैचमेंट के बाद ये नया पौधा बना देगा, जैसे आइकोर्निया पिस्तिया, आइकोर्निया पिस्तिया एंड जूशिया, इन सब में, ठीक। और आइकोर्निया को हम लोग क्या बोलते हैं, आइकोर्निया को बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं बच्चों, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ये कहां से खरपतवार आया, इट्स एग्जोटिक वीड, ये विदेशी खरपतवार है, ये हमारे देश में अमेरिका से आया। इट इज मोस्ट ट्रबलसम वीड ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। हमारे देश में दो खरपतवार, याद रखना बेटा, पहला एग्रो इकोसिस्टम में पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस जिसको हम बोलते हैं गाजर घास, और एक्वेटिक इकोसिस्टम का मोस्ट नोटोरियस जो वीड है उसे हम क्या बोलते हैं, आइकोर्निया, एंड आइकोर्निया इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सबटेरेनियन स्टेम मॉडिफिकेशन। अब अगर हम लोग देखेंगे आगे इसके बाद एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला फाइलोक्लेट, फाउंड इन जीरोफिटिक प्लांट सच एज अपुंशिया एंड मोहेलेनबेकिया, इनमें क्या होता है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, किस लिए, टू चेक ट्रांसपरेशन रेट। बच्चों ट्रांसपरेशन रेट को कम करने के लिए जीरोफिटिक प्लांट जैसे नागफनी वगैरह है, इन सब में, क्रेसुला है, एलोवेरा है, इन सब में क्या होता है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, कांटों में, और थॉर्न हुआ, स्पाइन हुआ, ठीक है, थॉर्न स्पाइन एंड प्रिकल्स, थॉर्न स्पाइन एंड प्रिकल्स गुलाब के कांटे, ये सब क्या कहलाए जाते हैं, ऑर्गेन ऑफ डिफेंस। ये डिफेंसिव होते हैं, और डिफेंस किसके खिलाफ, सो डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस एनिमल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इन दीज प्लांट्स,
leaves are modified in spine, which is mean to reduce the transpiration rate. It is organ of defense. और स्टेम कैसा हो जाता है? ग्रीन लीफी एंड फ्लेशी. तो देखिए आगे, देखिए स्टेम बिकम्स ग्रीन लीफी एंड फ्लेशी कॉल्ड एज फाइलोक्लेड. क्या बोलते हैं बेटा उसको? फाइलोक्लेड बोलते हैं. ठीक. इट हैज क्लोरोफिल. इसका मतलब किस चीज में मदद करेगा? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. As well as storage of food material. ठीक है बेटा, storage of food material. और इस पर एक और बहुत बढ़िया सवाल बनेगा जो पूछा गया है. Overgrowth of cacti. देखिए cactus वगैरह. Overgrowth of cacti कहां पे? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाज कंट्रोल्ड बाय कॉकिनियल इंसेक्ट. कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम. ठीक है बेटा, कॉकिनियल इंसेक्ट. और कैसा इंसेक्ट होता है? इट्स स्टेम बोरर. ये तना छेदक होता है, स्टेम बोरर होता है. तो ये क्या काम करता है बेटा? नागफनी के तने में छेद करके अंदर घुस जाता है और फोटोसिंथेसिस से जो कुछ भी बना है उसे खाया पिया और पचाया. तो इस तरीके से नागफनी की डेथ हो जाती है. ठीक. और इट इज अ मेथड ऑफ बायो कंट्रोल. ये एक तरह का बायोलॉजिकल कंट्रोल का एग्जाम्पल है. ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट द डे. अगली क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन सेंड मैसेज इधर थ्रू व्हाट्सएप और आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए. और अगर आपने चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.